हेलो एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल द एसएस क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। आई एम योर फ्रेंड इशिता एंड आई हैव क्लियर्ड एनटी एंड नेट एग्ज़ाम्स और यू कैन से एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। सो माय टुडेज वीडियो ऑन टॉपिक इकोनॉमिक्स, फर्स्टली वी स्टडी द माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो लेट गेट स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक। हेलो, आर टुडेज टॉपिक इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वर्सेज चेंज इन डिमांड। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस बात करनी है कि कौन कौन से डिफरेंस होते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन जो है जनरली 4 मार्क्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आते। हो सकता है डायरेक्ट यही नाम से आ जाए कि वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। नहीं तो इसके दूसरे नाम भी हैं, उनके नाम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी डिफरेंस में ही, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो यहाँ पर सभी हम लोग को पढ़ना है डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड एंड डिमांड, चेंज इन डिमांड, ये दोनों के बहुत से नाम होते हैं। तो चलिए इसमें फर्स्ट हम अभी पढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इसको हम लोग दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व या एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। अभी आप लोग को ये नाम नहीं समझ में आ रहे होंगे तो एक एक करके हम वर्ड बाय वर्ड मीनिंग चलते हैं। ये याद रखिएगा, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन इससे रिलेटेड एक भी डाउट अब आपको नहीं मिलेंगे। हम पूरे डाउट आप लोग के क्लियर करेंगे, उसके बाद ही सारे वर्ड टू वर्ड सबकी मीनिंग पे जाएंगे, उसके बाद हम डिफरेंस पर जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, ठीक है। तो चलिए, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व का मतलब क्या होता है, सबसे पहले याद रखिए ये आपका डिमांड कर्व है और इसके मूवमेंट अलोंग मतलब इसी में ही जितना चेंजेस हो सकते हैं। सपोज़ ये आपका प्राइस है और ये आपकी क्वांटिटी, ये प्राइस और ये क्वांटिटी। मूवमेंट अलोंग मतलब अभी यहाँ पर है आपका डिमांड, लेकिन हो सकता है प्राइस गिरने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ से आपका जो डिमांड यहाँ इस पॉइंट पर था अब इस पॉइंट पर आ गया, तो आपका डिमांड शिफ्ट हो रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। किसका? डिमांड कर्व का मूवमेंट हो रहा है, इसीलिए ये वर्ड आया है मूवमेंट अलोंग द डिमांड का। मतलब डिमांड कर्व नहीं चेंज होगी, ऐसा ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसी में ही आपके सारे चेंजेस हो रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। तो चलिए मीनिंग चलते हैं, इसमें क्या लिखा है। अ मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व इज कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस। जैसे अभी हमने बताया कि सपोज़ अभी ये प्राइस था लेकिन प्राइस में डिक्रीज होने की वजह से आपका डिमांड कर्व जो है वो मूव हो गया, ठीक है। तो किस लिए होता है? कॉज्ड बाय चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। प्राइस ऑफ द कमोडिटी में चेंजेस आने की वजह से मूवमेंट होता है अलोंग द डिमांड कर्व। और क्या लिखा है? एंड अदर थिंग्स बीइंग कॉन्स्टेंट या अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। दूसरी चीज़ें कॉन्स्टेंट रहेंगी, मतलब इसका टेस्ट, प्रेफरेंसेस और जितनी भी चीज़ें हैं दूसरे प्रोडक्ट के प्राइसेस, ये सब इस पर इफ़ेक्ट नहीं करते। सिर्फ उसी प्रोडक्ट के प्राइसेस या तो गिर जाएं या तो इंक्रीज़ हो जाएं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है, आपका मूवमेंट होता है अलोंग द डिमांड कर्व। ईजी है, तो चलिए इसमें अब हम लोग इसका ग्राफ देख लेते हैं जो अभी हमने आपको बताया। तो देखिए इसमें लिखा है दो ढंग से हो सकता है, आपका मेन प्राइस ये है लेकिन अगर प्राइस गिर जाता है तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाती है, ठीक है। वहीं अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड पहले से भी डिक्रीज हो जाती है। ये तो लॉ ऑफ डिमांड कर्व ही है, ठीक है। लॉ ऑफ डिमांड में क्या होता है कि प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाती है। तो यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ तो ये डिक्रीज़ हो गई, पहले से भी कम हो गई। तो ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है। अब चलिए इसमें एक चीज़ और, अभी हमने बात की थी मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को हम दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड,
ठीक है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब इसका आपको मीनिंग इजीली समझ में आ रही है। क्वांटिटी डिमांडेड किसको कहते हैं? इसको कहते हैं इस साइड जितने भी, मतलब एक्स एक्सिस में जितने भी शो करते हैं ये क्वांटिटी डिमांडेड है। तो क्वांटिटी डिमांडेड में जो भी चेंजेस आते हैं, चेंजेस को हम लोग डेल्टा के रूप में शो करते हैं। तो जितने भी चेंजेस हो रहे हैं क्वांटिटी डिमांडेड में, वो आपके हो जाएंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। क्लियर हो गया? ये आपने ग्राफ के थ्रू समझ लिया। और इसी को हम लोग दूसरे नाम से क्या कहते हैं? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अब एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन वर्ड बाय वर्ड एक एक मीनिंग पर चलते हैं, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए, एक्सटेंशन मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द राइज इन डिमांड। मतलब आपकी जो डिमांड है, पहले डिमांड ये थी और अब बढ़ गई, ठीक है? तो ये कब बढ़ सकती है? जब आपके प्राइजेस गिर जाएं। तो वही लिखा है, राइज इन डिमांड। डिमांड तो बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई ड्यू टू फॉल इन प्राइस, क्योंकि प्राइस जो है वो गिरने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई, जिससे एक्सटेंशन का टर्म आता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है? द वर्ड एक्सटेंशन मीन्स एक्सटेंड होना। एक्सटेंड होना मतलब बढ़ना। तो देखिए, पहले इतना था और अब इतना हो गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा कि एक्सटेंशन हो रहा है। और एक्सटेंशन मतलब कब हो सकता है? जब प्राइजेस गिरेंगे तभी आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी। क्लियर है? अब इसका आप एक बार ग्राफ भी देख लीजिए। ग्राफ वही है, प्राइजेस गिरने की वजह से। यहाँ पर देखिए, पहले इतना था, अब प्राइस गिर गया तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। वही चीज़ है जो उसमें इसकी मीनिंग में लिखा है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग कॉन्ट्रैक्शन की बात करते हैं। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि पहले, देखिए कॉन्ट्रैक्शन मतलब सिकुड़ना, ठीक है? और अगर हम लोग इसकी मीनिंग तो समझ गए, अब हम लोग प्राइजेस क्वांटिटी डिमांडेड के हिसाब से देखते हैं। पहले क्वांटिटी डिमांड इतनी थी, लेकिन सिकुड़ना मतलब कम हो गया, तो अब हमारी इतनी हो गई, ठीक है? पहले थी क्वांटिटी डिमांडेड दिस, और अब इतनी हो गई। और पहले की प्राइजेस के कंपैरिजन अब आपकी प्राइस इंक्रीज हो गई होगी, तभी आपका कॉन्ट्रैक्शन हुआ है। तो अब देखिए, इसमें लिखा है इट रिफर्स टू फॉल इन द क्वांटिटी डिमांडेड। पहले इतना था तो अब गिर गया, ठीक है? ड्यू टू राइज इन प्राइस, प्राइस के बढ़ने से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। तो ये किस टर्म को शो कर रहा है? कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाना, ठीक है? तो चलिए इसका भी हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। वैसे तो यही है ग्राफ, लेकिन हमने इसको अलग से आपको, आपके लिए समझाने के लिए रखा है। तो देखिए, ये आपका दिया है चेंज इन प्राइस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है कि पहले आपका इतना था और अब आपका Q2 हो गया, मतलब डिक्रीज हुआ है। पहले के कंपैरिजन अब डिक्रीज हुआ। कैसे डिक्रीज हो सकता है? जब प्राइजेस इंक्रीज हुए होंगे। तो अगर आपको लॉ ऑफ डिमांड समझ में आ गया है, तो कॉन्ट्रैक्शन एक्सटेंशन दोनों समझ में आ गए होंगे कि कैसे क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, ठीक है? तो अब आप लोग को ये तीनों वर्ड समझ में आ गए, क्या क्या? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, फिर उसके बाद आपने कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा, एक्सटेंशन पढ़ा, ठीक है? तीनों क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग दूसरे टर्म की बात करते हैं, मतलब अब हम लोग शिफ्ट इन डिमांड कर्व पढ़ते हैं, ठीक है? देखिए, ये इसी का एग्जांपल है। ये आपको, हाँ एक चीज़ और है, ये आपको हमने ये ग्राफ इसलिए बना के दिया है ताकि अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व की अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपका इसमें ग्राफ क्या होगा, तो ग्राफ आपको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन दोनों को, एक्सपेंशन दोनों को आपको शो करना पड़ेगा ग्राफ में। और इसी फॉर्म में दिखाएंगे कि जो एरो नीचे की ओर जा रहा है, यहाँ पास आप लिख देंगे एक्सपेंशन या एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कर्व, और ऊपर की ओर जो जा रहा है उसमें आप लिख देंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ठीक है? तो ये जब आएगा आपका मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, उसमें आपको ये ग्राफ शो करनी पड़ेगी। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं शिफ्ट। देखिए, यहाँ पर इसके भी बहुत सारे नाम हैं, ये अभी हमने आपसे डिस्कस नहीं किए हैं। अभी तक आपने पढ़ा चेंज इन डिमांड, दो के बीच में हम लोग को डिफरेंस पढ़ना है, एक तो डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। तो हमारा ये तो क्लियर हो गया, इसके जितने भी टर्म्स थे क्लियर हो गए। अब हम लोग डिमांड के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है? तो चेंज इन डिमांड को हम लोग दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? शिफ्ट इन डिमांड कर्व, या इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड।
एक एक करके हम आपको इसमें भी तीनों वर्ड्स की मीनिंग समझाएंगे, फिर उसके बाद ही डिफरेंस के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या होता है। देखिए, शिफ्ट इन डिमांड का मतलब क्या है कि जैसे ही आपका यह आपका डिमांड है, शिफ्ट होने का मतलब है ये डिमांड छोड़ करके किसी दूसरे डिमांड पर वो चला गया, ठीक है, या इधर चला गया या इस साइड चला गया। तो ये किस रीज़न से होगा ये अभी हम नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका मीनिंग समझिए, कॉज क्या है, कारण क्या है। अच्छा, इसमें कारण क्या है, चेंज इन फैक्टर अदर देन द प्राइस ऑफ क्वांटिटी, प्राइस ऑफ गुड्स। जैसे कि आपके जो डिमांड है उसमें चेंज किस वजह से हो रहा है, आपके गुड्स के प्राइजेस उस पर इफ़ेक्ट नहीं डाल रहे हैं, उस पर दूसरे अदर गुड्स, अदर फैक्टर्स होते हैं ना, जैसे कि उस डिमांड, उस कमोडिटी के डिमांड के लिए जो अभी आपका फ्लेवर है, टेस्ट है या वेदर है, ये सारे जो अदर फैक्टर्स होते हैं ये जो उसको इन्फ्लुएंस करते हैं वो हो जाता है आपका अदर देन अदर फैक्टर्स ऑफ द गुड्स, ठीक है। लेकिन प्राइस इसका नहीं इफेक्ट करता है, समझ में आया। तो वही लिखा है, देखिए इसमें क्या लिखा है, अ शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व इज़ कॉज्ड बाय चेंजेस इन फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ गुड्स। मतलब उस गुड्स के प्राइजेस उसको अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या अफेक्ट कर रहे हैं, चेंज इन फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, ठीक है, प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं जैसे टेस्ट, प्रेफरेंस, ठीक है, और क्या क्या हो सकता है, वेदर, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें उसको अफेक्ट करेंगी, लेकिन उसके प्राइजेस, उस गुड्स के प्राइजेस उसको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका, शिफ्ट इन डिमांड, ठीक है, शिफ्ट इन डिमांड इसे कहा जाएगा। अब इसका अगर आप लोग ग्राफ देखेंगे, अभी हमने बता दिया आपको कि ये थ्री लाइंस में होता है, इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, तो मेन यही ग्राफ है, लेकिन आपको हम एक बार इसके थ्रू समझा देते हैं कि क्या कैसे आप लोग इसको प्लॉट करेंगे। सो देखिए, यहाँ पर दिया है ये आपका मेन डिमांड है, और शिफ्ट होने की वजह से जैसे ही अब वो किसी दूसरे के प्रोडक्ट की प्राइसेस या दूसरे फ्लेवर्स, टेस्ट वगैरह के चेंज होने की वजह से ये इधर शिफ्ट हो सकता है और एक इधर शिफ्ट हो सकता है। तो ये इसका आपका शिफ्ट इन डिमांड कर ऐसा होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं दो, क्या चीज़ था, एक इंक्रीज इन डिमांड एंड द अदर वन इज़ डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं इंक्रीज इन डिमांड का मतलब क्या है। इंक्रीज इन डिमांड, इट रिफर्स टू द मोर डिमांड एट अ गिवन प्राइस और सेम डिमांड एट अ हायर प्राइस। मतलब आपके प्राइजेस उस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहे, आपका प्राइस वैसी का वैसी ही है, लेकिन आपके डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे फैक्टर्स की वजह से प्राइस उतने होने के बावजूद आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो गई। समझ में आया, प्राइस में कोई आपको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ तो सेम है, लेकिन फिर भी इसमें चेंजेस आ रहे हैं। क्यों चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे फैक्टर्स जो हैं वो उस पर इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। तो वही लिखा है, इट रिफर्स टू द मोर डिमांड, ज़्यादा डिमांड हो रही, पहले इतना था और अब इतना हो गया है, तो मोर डिमांड किया जा रहा है एट द गिवन प्राइस। गिवन प्राइस क्या है, ये प्राइस दी है, और द सेम डिमांड उतना ही डिमांड किया जाए हायर प्राइस पर, ठीक है। तो ये आपका बताता है इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड पहले इतनी थी और अब इतनी हो गई, तो अब आपका इंक्रीज हुआ है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। और हम लोग इसका अब ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ भी यही है, देखिए इसमें राइटवर्ड शिफ्ट होता है, ये याद रखिएगा, इसमें आपको क्या कह सकते हैं कि देयर इज़ अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड, डिमांड कर्व जो है आपका राइटवर्ड की तरफ शिफ्ट होता है, उसे हम लोग कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, ठीक है। प्राइस तो कांस्टेंट है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स, और वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट होना उसे हम लोग इंक्रीज इन डिमांड कहेंगे। तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं, डिक्रीज इन डिमांड किसे कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड सेम वही है, ये अभी तक आपने इधर की ओर इंक्रीज होते देखा, अब अगर इस साइड शिफ्ट हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिक्रीज हो रहा है,
कि मतलब प्राइस तो वही है, लेकिन पहले हम लोग इतना डिमांड करते थे लेकिन अब हम लोग इतना डिमांड कर रहे हैं। किस वजह से? क्योंकि अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए इसकी मीनिंग देख लेते हैं। इसकी मीनिंग में लिखा है इट रिफर्स टू लेस डिमांड, डिमांड कम की जा रही है एट अ गिवन प्राइस और सेम डिमांड एट लेसर प्राइस। ठीक है, मतलब आपका डिमांड सेम होता है, सॉरी प्राइस सेम है लेकिन आपका डिमांड में डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, तो इसे आप लोग क्या कहेंगे? डिक्रीज इन डिमांड, मतलब गिर रहा है ना, आपकी पहले इतनी थी क्वांटिटी अब आप इतने करने लगे तो गिर गया ना, पहले से तो कम हो गया, तो ये आपको दिखा रहा है डिक्रीज इन डिमांड। इसका भी ग्राफ देख लीजिए क्या है, फिर उसके बाद हम लोग डिफरेंस की तरफ चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, या आपका लिख सकते हैं लेफ्ट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व इज शोन एज डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, और ये प्राइस इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि प्राइस तो कांस्टेंट है, इस पे इन्फ्लुएंस क्या कर रहा है? अदर फैक्टर्स। क्लियर है? तो देखिए अब आप लोग शिफ्ट इन डिमांड को आप लोग कैसे ग्राफ, अब हम लोग डिफरेंस यहाँ पढ़ते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड दोनों वर्ड सेम है। इंक्रीज मतलब क्या होता है? डिमांड बढ़ना, और एक्सपेंशन भी मतलब क्या होता है? एक्सपेंड होना या इंक्रीज होना, किस चीज़ का? क्वांटिटी डिमांडेड का। ठीक है, यहाँ भी क्वांटिटी डिमांडेड है लेकिन वर्ड टू वर्ड हल्का सा डिफरेंस है, क्योंकि ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व को बताता है और ये क्या बताता है कि इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज होना मतलब शिफ्ट होना, डिमांड कर्व पूरी पूरी शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो डिफरेंस हम लोग बात करते हैं वन बाय वन। याद रखिएगा ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो उसके बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए फर्स्ट इसमें लिखा क्या है कि इट रिफर्स टू द शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व, ये तो आपको पता है, और ये क्या है? एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इट रिफर्स टू द मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। अभी जितने भी हमने आपको थ्योरी बेस पे जितने भी कॉन्सेप्ट मीनिंग बाय मीनिंग समझाया, उसका बेस्ट आपको हेल्प ये मिलेगी कि डिफरेंस लिखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, फर्स्ट तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा, सेकंड भी अभी हमने आपको बताया था कि देखिए यह आपका डिमांड कर्व है और ये अब आपने शिफ्ट कर दिया, तो ये राइट वर्ड ही तो शिफ्ट हो रहा है, तो वही लिखा है राइट वर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। क्लियर है? वहीं अगर दूसरे साइड देखते हैं तो इसमें लिखा है इन दिस कंज्यूमर्स मूव टू द राइट और डाउनवर्ड ऑन द सेम डिमांड कर्व। देखिए आप लोग को जो कंफर्टेबल हो कि सपोज पहले इतना था और अब इतना हो गया ना, तो अब आप लोग इसको राइट भी कह सकते हैं, इसको डाउनवर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये डाउनवर्ड लग रहा है तो आप लोग डाउनवर्ड लिख सकते हैं, राइट मत लिखिए, कंफ्यूज मत होइएगा, बस ईजिली है, राइट वर्ड भी है ये और डाउनवर्ड भी है, इसलिए इसमें और करके लिख दिया है। ठीक है, तो वही वर्ड्स हैं। अब चलिए नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या लिखा है। इट ड्यू, ड्यू टू मतलब कॉज, कारण क्या है? अभी हमने बताया जितने भी शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है वो किस वजह से शिफ्ट होता है, मतलब यहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट होता है, क्योंकि उसके अदर फैक्टर्स की वजह से, अदर फैक्टर्स की वजह से उस पर इन्फ्लुएंस पड़ता है। ठीक है, और वहीं अगर एक्सपेंशन की बात करें, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, मतलब इसी में ही आपका मूवमेंट हो रहा है, तो इसका रीज़न क्या था? प्राइस, किसके प्राइजेस? उसी गुड्स के खुद के प्राइजेस की वजह से उस पर मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है? तो अब हम लोग इसके रीजंस पढ़ लेते हैं, कॉजेस। ठीक है, इसको आप लोग डायरेक्ट कॉजेस भी लिख सकते हैं, या लिखा है इट इज़ ड्यू टू, अच्छा अब अदर फैक्टर्स जितने थे अब सबको आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे? इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की पहले इनकम कम थी अब ज़्यादा हो गई तो वो ज़्यादा डिमांड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंक्रीज इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरे के, अभी हमने ये आपको पिछले वीडियोस में बताया सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइजेस इंक्रीज होने की वजह से सारे कस्टमर जो उस कमोडिटी को कंज्यूम करते थे वो आपके गुड्स को कंज्यूम करने लगेंगे, जिसकी वजह से आपका क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आपको याद होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? जो कि साथ साथ कंज्यूम किए जाएं, एक साथ। तो
तो अगर दूसरे गुड्स के प्राइजेस डिक्रीज हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्राइस और यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, कहाँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में। नेक्स्ट लिखा है फेवरेबल चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट प्रेफरेंसेस भी लिख सकते हैं फॉर दिस गुड्स। तो ये चार यहाँ पर रीज़न दिए हैं जिसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड होता है, ठीक है। और यहाँ पर याद रखिए, यहाँ पर प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल होगी जिसकी वजह से एक्सपेंशन होगा, ठीक है। प्राइस डिक्रीज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी, तो यही आपको रीज़न यहाँ लिखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग फोर्थ पॉइंट पर चलते हैं। इसमें क्या लिखा है, इंक्रीज इन डिमांड इज डिफाइंड एज, वही जो अभी आपने मीनिंग पढ़ी, अब मीनिंग इसमें लिख दी गई है, क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द इंक्रीज इन डिमांड एट द सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी में प्राइजेस, देखिए यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर आपके प्राइजेस जो है सेम होने की वजह से आप फिर भी आपकी क्वांटिटी डिमांडेड चेंज हो रही है तो आप लोग उसको कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड। वहीं अगर एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन में आपके जो प्राइजेस हैं वो गिर जाएंगे जिसकी वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है, ये आप लोग की मीनिंग ही है जो अभी हमने क्लियर की थी। तो देखिए आपको वो मीनिंग्स पढ़ने से, वो टर्म्स आप लोग को एक्सप्लेन करने से ये आपको फोर पॉइंट्स तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वैसे ही दो पॉइंट और हैं, वो उसमें भी आप लोगों को कोई खास प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए अब आप लोग ने ग्राफ पढ़ लिया है, वही ग्राफ यहाँ पर भी बता दिया गया है, वही सेम ग्राफ है, हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इसमें देखिए क्या लिखा है, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप लोग प्राइस कॉन्स्टेंट है तो प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, पहले भी 3 था और अभी भी 3 है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग दूसरा देखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड, पहले तो 90 था लेकिन फिर उसके बाद 100 हो गया, तो इंक्रीज़ हुआ है, तभी इंक्रीज इन डिमांड हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। वहीं अगर हम लोग दूसरे साइड देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर आपके प्राइजेस पहले के कंपैरिजन डिक्रीज हो गए हैं, पहले आपका 3 था तो अब हो गया 2 और 90 से 100 हो गया है, ठीक है। न्यूमेरिकल एग्जांपल आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसके बेसिस पे अगर आपको लिखना है तो ये भी लिख सकते हैं, लेकिन अदर एग्जांपल्स भी लिखा जा सकता है। तो ये आप लोग को समझ में आया होगा ये क्या था, इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, द टर्म्स आर सेम बट फिर भी डिफरेंस है। अब हम लोग दूसरा एक और एग्जांपल, दूसरा डिफरेंस पढ़ते हैं जिसमें डिक्रीज इन डिमांड होगा और यहाँ पर एक्सपेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड होगा, ठीक है। तो चलिए वो भी एक बार एग्जांपल देख लेते हैं, सॉरी डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पर दिया है डिफरेंस में सेम पॉइंट्स हैं, फर्स्ट वाला तो आप लोग का सेम होगा कि यहाँ पर ये शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व है और ये क्या है, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, ठीक है। अब वो क्या था आपका जो ऊपर हमने पढ़ा था इंक्रीज इन डिमांड, तो ये क्या होगा, इंक्रीज इन डिमांड आपका राइटवर्ड शिफ्ट होता है, तो डिक्रीज इन डिमांड आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। वही आपने एक्सपेंशन पढ़ा था, एक्सपेंशन आपका डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा था तो कॉन्ट्रैक्शन आपका अपवर्ड होगा। जैसे कि देखिए ये आपका है अलोंग द डिमांड कर्व है ना, तो पहले इतना था नहीं, फर्स्ट आपका इतना था, अब आपका इतना हो गया क्वांटिटी डिमांडेड। तो देखिए ये आपका एरो ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर भी लिख सकते हैं या लिख सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट, तो सेम वही लाइंस हैं, कुछ अलग नहीं है इसमें। अब थर्ड क्या दिया है, रीजंस, उसमें आपको अगर वो इंक्रीज एक अगर आपने याद कर लिया तो डिक्रीज याद करने के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। जहाँ जहाँ कंज्यूमर की इनकम वहाँ पर इंक्रीज हो रही थी, यहाँ पर हो जाएगा फॉल इन कंज्यूमर इनकम, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, नेक्स्ट हो जाएगा इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। नेक्स्ट आपका सो देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या होता है, यहाँ पर आपका डिमांड कर्व है और इसमें अलोंग द डिमांड कर्व मतलब ये आपका ये दोनों के बीच है कॉन्ट्रैक्शन, पहले आपका ये था उसके बाद ये होने की वजह से क्या हो गया, आपका प्राइजेस पहले कम थे और प्राइजेस जैसे ही इंक्रीज होंगे आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से
क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, रीज़न भी समझ में आ गया। रीज़न इसमें क्या था, राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस राइज होने की वजह से। ठीक है, और हम लोग इसके रीजन्स होने के बाद अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि इसकी मीनिंग, जो अभी आपने मीनिंग पढ़ी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का क्या मतलब होता है, और यहाँ पर लिखा था डिक्रीज इन डिमांड, दोनों की मीनिंग। फोर्थ पॉइंट में आपने मीनिंग समझा दी कि इट इज़ डिफाइंड एज द फॉल इन डिक्री डिमांड एट द सेम प्राइस, प्राइस सेम होने की वजह से फॉल हो रहा है प्राइसेस में। ठीक है, फॉल इन डिमांड एट द सेम प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक, और इस वाले में हो जाएगा प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपकी जो डिमांड है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये आप लोग को मीनिंग आप लोग को ऊपर समझा दिए हैं, तो वही मीनिंग है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने इसमें नहीं दिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, जो आपने कॉन्ट्रैक्शन में और डिक्रीज इन डिमांड कर्व में हमने ऊपर आप लोग को वीडियोस ऊपर वीडियो में आप लोग शो किया था ना, वही है। यहाँ न्यूमेरिकल एग्जांपल ज़रूर लिख दीजिएगा, जैसे कि पता है यहाँ पर कॉन्स्टेंट है तो 3 का 3 ही रहेगा प्राइस, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड पहले 90 था तो अब 80 हो गया क्योंकि डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें भी आपका पहले अभी आपने पढ़ा ना, प्राइस इंक्रीज होने की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो रही है, तो प्राइस पहले 3 था अब 4 हो गया, इंक्रीज हो गया, और आपकी क्वांटिटी डिमांडेड 90 थी तो 80 हो गई। क्लियर है? सो आज की वीडियो यहीं एंड हो रही है, और यहाँ से आपका थ्योरी ऑफ डिमांड भी एंड होता है। सो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जहाँ पर आप पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए आप लोग रेडी हो जाइए। अगर ये वीडियो आपके लिए रियली यूज़फुल रही है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर ऑल्सो, और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।